बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हफीज़ फ्रॉम प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 की। प्रीवियस 4.1 में हमने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी, और अब फर्दर हम 4.2 में भी सेम आपके पास उसी तरह मेथड है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करता हूँ। इन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने मज़ीद रिमेनिंग पार्ट्स को रिजोल्व करना है। मेथड आपके पास वही है, और आपने क्वेश्चंस भी उसी टाइप के हैं। रिजोल्व करने हैं आपने रिजल्टेंट फ्रैक्शन को पार्शियल में, थ्री स्केयर माइनस 3x प्लस 1। बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसमें आपने जब रिजल्टेंट से पार्शियल बनाई थी तो आपके पास a और b दो वैल्यू लेट हुई थी। यहाँ पे अब आपके पास ये देखें, यहाँ पे x माइनस 1 की पावर कितनी है, 2, तो अब आपके पास 3 बनेंगे। यानी आप a को ये भी रख सकते हैं, जो मर्ज़ी रख लें। ए आपके पास क्या आ गया, पहली वैल्यू एक्स माइनस 1 होल 2 में, तो प्लस बी आवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और प्लस सी आवर एक्स माइनस 2। तो इस तरह आपने इनको लेट कर लिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड सेम वही जी डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म पड़ी है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। तो आपके पास जब ये सारा इसके कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 2। ये अब जब इसके डिवाइड करेंगे तो ये एक इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 1 और एक एक्स माइनस 2, और प्लस b में हमारे पास क्या रह जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा एक्स माइनस 2, और सी में ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी। ये तो आपके पास ऑलरेडी कट चुके हैं, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ये और ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये सिंपल इक्वेशंस बनी हुई हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप इसको कंपेयरिंग कोफिशेंट से भी कर सकते हैं, और अब आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, यानी कि आप जो ज़ीरो मेथड अप्लाई करते हैं उससे भी कर सकते हैं। इट्स योर ओन चॉइस कि आप इसको जैसे भी सोल्व करना चाहें। तो ज़ीरो मेथड में इस पे लगाता हूँ, फिर आखिर में हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट भी कर लेंगे, एक वैल्यूज अगर फाइंड हो जाती हैं। हमारे पास लेट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, तो जहाँ एक्स होगा वहाँ 1 पुट करना है। 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2। 1 माइनस 1 0, एक्स 0 हो गया, ए 0 हो गया, प्लस बी 1 माइनस 2, और यहाँ पे मैं 1 माइनस 1 पुट करूँगा तो सी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो क्या आ गया, 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी कि माइनस बी, और 1 और माइनस 3 और प्लस 3 कट गया, हमारे पास 1 है, यानी कि ये प्लस 1, यानी कि बी इज़ इक्वल टू माइनस 1, बी की आंसर आ गया। सिमिलरली आप दूसरी वैल्यू यहाँ पे, तो इसको मैं स्क्वायर के इक्वल पुट नहीं करवा सका, इसको कर लें, लेट x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 2, तो जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आपने 2 पुट करना है। तो 2 का स्क्वायर इक्वेशन 1 में माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू a, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो गया a, यहाँ 2 पुट करेंगे तो b भी 0 हो जाएगा, और यहाँ c में आप पुट करवाएं तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, तो c आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 1, 5, 5 में से एक 6 माइनस करेंगे तो माइनस 1, तो c भी आपके पास क्या आ गया, माइनस 1। अब आपने a फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली अब आपको कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, उसी मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। चलें आप इसमें क्वेश्चंस में वो भी सीख लें ताकि रिमेनिंग क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, a उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवा लें, हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर 2 से देंगे तो माइनस 2x और माइनस x माइनस 3x और प्लस 2। सिमिलरली b हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी एक्स माइनस 2b, और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो c ए स्क्वेयर
प्लस बी स्क्वेयर यानी कि सी, और माइनस टू ए बी यानी कि माइनस टू सी। तो यहाँ पे इसको ए को मल्टीप्लाई कर लें, ए एक्स स्क्वेयर। आपने क्या करना है, इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है, फिर बाहर वाले जो वेरिएबल है ए बी और सी लेट के उनको भी मल्टीप्लाई करना है। इस टाइप की इक्वेशंस बनेंगी आपके पास, ए एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री ए एक्स प्लस टू ए और प्लस बी एक्स माइनस टू बी प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस टू सी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या वैल्यू चल रही है, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वेयर वाले वैल्यू इकट्ठी कर लेते हैं, जो वेरिएबल एक्स स्क्वेयर है और एक्स स्क्वेयर है यानी कि ए प्लस सी। ए प्लस सी एक्स स्क्वेयर हो गया, वेरिएबल एक्स स्क्वेयर वाले इकट्ठे कर लिए। अब आप एक्स वाले देख लें, एक्स में हमारे पास क्या है, माइनस थ्री ए प्लस बी, माइनस थ्री ए और प्लस बी। माइनस थ्री और प्लस बी और प्लस माइनस थ्री ए प्लस बी, और अब आप कांस्टेंट देख लें, माइनस एक थ्री ए था हमारे पास, एक प्लस बी था। अब कांस्टेंट में हमारे पास क्या है, टू ए माइनस टू बी, और यहाँ पे ये टू सी में से सी निकालेंगे तो माइनस सी यानी कि टू ए, और इसके अलावा प्लस सी और सॉरी टू ए माइनस टू बी और प्लस सी सॉरी माइनस सी। तो ये हमारे पास इक्वेशन कांस्टेंट बन गया, और इक्वल टू हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। बस हमें सिर्फ ए चाहिए, तो इसलिए एक्स स्क्वेयर वाले कोफिशियंट को मैं कंपेयर करूंगा। एक्स स्क्वेयर ये भी हमारे पास वेरिएबल है, और ये इसके कोफिशियंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इसके साथ कोफिशियंट क्या है, एक्स वन है, और इसके साथ कोफिशियंट क्या है, प्लस सी। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू वन, इक्वेशन नंबर वन। फर्दर आप मजीद भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे बाकी बी और सी की वैल्यू पता है, इसलिए मैं सिर्फ ए को यूज़ करूंगा। तो ए प्लस सी, सी की वैल्यू आपने फाइंड किया माइनस वन, तो ए सी की जगह माइनस वन इक्वल टू वन, तो ए इज इक्वल टू वन उधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा यानी कि टू। आपके पास तीनों वेरिएबल, अब अगर आपके पास ए बी भी ना निकला होता, सी भी आपने फाइंड ना किया होता, तो देन आप इन इक्वेशंस को भी इन कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी और सी जो आपने फाइंड किए हैं, इनको आप फर्दर वहाँ पे पुट करेंगे, जो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस आपने बनाई थी, ए की वैल्यू है टू आवर एक्स माइनस वन, और बी आपने क्या फाइंड किया है, माइनस वन, माइनस वन आवर एक्स माइनस वन का स्क्वेयर, और सी आपने क्या फाइंड किया है, माइनस वन आवर एक्स माइनस टू। तो ये आपके पास जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन थी उसकी आपने पार्शियल फ्रैक्शन बना दी। अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को आगे मजीद देखेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस यहाँ पे हुए हैं, ये तो हमारे पास प्रॉपर थी, अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। देखें आपके पास जो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होती हैं, कि जबकि जो जो वैल्यू वेरिएबल एक्स है उसकी पावर देखें फोर है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स की पावर थ्री है, टू से मल्टीप्लाई करें तो थ्री बनती है, तो मतलब ये लेस होगी और ये ग्रेटर होगी, तो ये प्रॉपर है। इसको आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे अप्लाई करना है, एक्स को एक्स से एक्स क्यूब और माइनस एक्स, ये आपने डिनोमिनेटर वाली टर्म बाहर रख ली जो डिवाइड करवा रही है, और नोमिनेटर वाली टर्म आपने अंदर रखी। एक्स को एक्स से दिया एक्स फोर हो गया, और इसके एक्स स्क्वेयर को आपने एक्स से दिया तो एक्स क्यूब हो गया, चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स क्यूब को आप साइड पे लिख लेंगे आगे करके। प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया और यहाँ प्लस आ गया, फिर आप फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को वन से दिया तो एक्स क्यूब हो गया, एक्स को दिया तो माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर आ गया और ये वन। तो ये हमारे पास कौन सी लिखने का, इसको फिर कैसे, ये आप देखें, आप ये हमारे पास इम्प्रॉपर फंक्शन थी, मैंने लॉन्ग डिवीजन अप्लाई की, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाया, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने के बाद मेरे पास ये फॉर्म बन गया, यानी कि कोशेंट पहले आपने लिखने, क्यू ऑफ एक्स प्लस ये आपके पास रिमाइंडर है और ये आपके पास डिवाइजर है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर की फॉर्म में, क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर की फॉर्म में इसको लिख लिया। अब आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चंस को, ये वाली वैल्यू को आपने आई लेट कर लें, और आई ले के आप इसको रिजोल्व करना शुरू करेंगे पार्शियल में। अब आप देखें, अब ये हमारे पास ये इम्प्रॉपर थी, अब आप देखें ये जो फॉर्म बनी है, हमारे पास प्रॉपर फॉर्म आ गई है। जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको आप लिख लेंगे आंसर के साथ, बाद में फाइंड कर जब आप
प्रॉपर फ्रैक्शंस को उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो देन आप आंसर के साथ इसके क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस वन, ये हमारे पास फॉर्म बनी है। अब आप देखें ये इम्प्रॉपर थी और ये प्रॉपर बन गई है। प्रॉपर कैसे? अब आप एक्स स्क्वेयर की पावर, आपके पास जो डिग्री है वो टू होगी और यहाँ पे थ्री है, ये लेस होगी और अब ये ग्रेटर होगी। अब इसको मजीद फर्दर वही मेथड अप्लाई किया आप सिमिलरली, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज 4.1 में भी करवाया और 2 में भी, आपने एक्स की वैल्यू लेट की, फिर एक्स स्क्वेयर लेट किया, फिर सी लेट किया, ए बी और सी पावर 2 है तो पहले ए फिर बी फुल पावर के साथ फिर सी, आपकी जो भी है मल्टीप्लाई किया, कटिंग की ए और बी और सी की, जो फर्दर आपने पास वैल्यूज बना ली, आपके पास इक्वेशंस बन गई, जीरो मेथड अप्लाई किया, बी की वैल्यू फाइंड की, सिमिलरली आपने फिर जीरो मेथड अप्लाई किया, सी की वैल्यू फाइंड की, और यहाँ इक्वेटिंग कोफिशिएंट जो मैंने आपको समझा चुका हूँ कि कोफिशिएंट कैसे इक्वेट करने, आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप उसको कंपेयर कर लेंगे, यानी कि ये देखें एक्स स्क्वायर की अब जो वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद आप एक्स स्क्वायर को ए प्लस सी से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये मेथड हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस सी हो गया एक्स स्क्वायर में, और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स बन गया और माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ए प्लस सी इक्वल टू वन हो गया। सी आपने फाइंड किया हुआ है जो, उसको सी की वैल्यू पुट की, यहाँ से आपने ए फाइंड कर लिया, तो ए बी और सी जो आपने लेट किए थे रिजल्टेंट से पार्शियल में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज योर आंसर। सिमिलरली उसने इसी तरह फिर आंसर को लिखना कैसे है, ये आपके कोफिशिएंट जो पार्शियल फ्रैक्शंस के जो आपने आंसर निकाले थे वो, और जो आंसर आपने वहाँ पे निकाला था डिवाइड करने के बाद लॉन्ग डिवीजन से, ये वो आ गया, ठीक है क्वेश्चन आपका। अब ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, सिमिलरली आपने वही मेथड अप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई, इसको आपने ए माइनस बी और ए प्लस बी में कर लें, ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू प्लस बी ए प्लस बी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होंगी, आप सिंपली आपके पास वही फॉर्म बन गई इक्वेशंस की, यानी कि आप इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये फ़र्क है प्रीवियस एक्सरसाइज के, यहाँ पे जो आपकी होल पावर होगी उसकी डिग्री दी होगी, अंदर इसके एक्स के वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं होगी, जबकि प्रीवियस में वेरिएबल के ऊपर पावर्स थी, ये हमने उसको सिंप्लीफाई करके फैक्टर बना लिए थे। तो यहाँ पे इसको ए का नाम दे दिया, आप लेट कर लिया पार्शियल में, इसको बी का, और फिर आगे होल पावर में फुल सी, सिमिलरली वही मेथड अप्लाई किया मल्टीप्लीकेशंस की, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशंस बना ली, फिर जीरो मेथड अप्लाई किया, ए की वैल्यू माइंड फाइंड कर ली, एक्स आपके जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इसी तरह बी की वैल्यू फाइंड कर ली आपने, तो बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने सी, सी की वैल्यू फाइंड की, और सी की करने के बाद आपने फिर ए के ऊपर वही कोफिशिएंट, जैसे अभी मैंने आपको पहले भी करके दिखाया क्वेश्चन, अभी दूसरा भी किया और इस क्वेश्चन में भी वही हुए, एक आप कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी ए आपको दिया हुआ 1/4 पुट करेंगे, यहाँ से बी फाइंड कर लेंगे, तो ए और बी और सी तीनों वैल्यू फाइंड करेंगे हम यहाँ पुट कर लेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके रिमेनिंग 4 पार्ट्स और 3 पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद रिजोल्व करने हैं, इसी तरह पार्शियल फ्रैक्शंस को, और ये मैंने आपको जो मेथड बताए हैं इन्हीं मेथड को फॉलो करना है। इसमें अभी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी रिजोल्व कर ली आपने, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, फिर उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है लॉन्ग डिवीजन से, देन आपने सॉल्व करना है, और इसके अलावा आपने कोफिशिएंट्स को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स को कैसे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स कैसे करते हैं, कैसे इक्वेट करते हैं, वो भी आपने सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेज में भी हमने यही काम करना है, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े उससे डिफरेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ पेश करेंगे।